कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वर्कआउट का रिजल्ट जो भी हो दुनिया भर को दिखाते फिरते हैं। वैसे ही एक जिम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई, जो हर 10 मिनट में अपना बिफोर एंड आफ्टर चेक करने के लिए कभी अपनी सेल्फी निकाल रहा था तो कभी डंबल उठा रहा था। काफी कम हुआ है जी। 2 महीने में एकदम कैप्टन अमेरिका लगिएगा। एक दिन रविश जी, एक दिन हम होंगे कामयाब, आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है अभी भी। रविश जी, आपके लिए ये भी कर देते। अरे भाई ले लीजिए रविश जी। अरे भाई, हम बाहर नहीं अंदर के वजन कम करने की बात कर रहे थे, आप गलत सिस्टम पकड़ लिए। क्या कर रहे? कुछ नहीं कहे भाई। रविश जी आपने कहा है? कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं। रविश जी आपने सिस्टम कहा? सिस्टम रविश जी, सिस्टम, वही तो। ये सिस्टम हमें हमारा वजन कम करने दे तब ना। अब आप बताइए रविश जी, आप बताइए हमें, क्या हमारा काम सिर्फ वेट उठाना या वजन कम करना ही है? ये समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। अब सड़क के किनारे जो समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, हक्का नूडल, जलेबी, ये सब बेच के अपना घर का गुजारा करने वाले गरीबों का क्या होगा अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना वजन कम करने लगेंगे? क्या सिस्टम उन्हें पड़ेगा रविश जी? एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, दूसरी ओर फिट इंडिया का नारा लगाते हैं। अब इंडिया फिट रहेगा तो पकौड़े खाएगा कौन रविश जी? इसे डेवलपिंग नेशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं रविश जी। और जब इनके समोसे और पकौड़े जब बिकेंगे नहीं ना, तो इन्हीं के बच्चे भूख और लाचारी के मारे क्रिमिनल्स बनेंगे, हाथ में गन पकड़ेंगे और चारों तरफ देश में दंगा होगा। तब ये टोन बॉडी ऑफ सिक्स पैक अब उनके 1 से 2 इंच की गोलियों का सामना कर पाएगी रविश जी? नहीं, मैं पूछता हूँ रविश जी, मैं पूछता हूँ, क्या ये जिम वाले, क्या ये जिम अपने मेंबरशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे रविश जी? नहीं ना। एक बात बताओ, तुम प्रोटीन में हो कि ड्रग्स में है? जी, हम तो सिर्फ अंडे खाते हैं, देसी वाले ब्राउन रॉक। लेकिन भैया, आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा कि आपको इस देश का रोजगार मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। मतलब आप मोटा हो के जिम आते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ाते हैं, बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं ठेला में, उनका रोजगार बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। अरे रवि जी, नहीं नहीं, वो तो बस हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। सही बात है, सही बात। चंचल, तो विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो हिटलर ने भी कहा था, चलो ये अच्छा हो गया, अब कहीं भी गोली चलाऊंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी मुझे इनमें से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश को ऐसे ही बिल्डरों की, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है।